बाज लोग कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो सलाम की कब्र शरीफ में वही जिंदगी है जो पहले दुनिया की थी, और जानते हैं कि हयाती ममाती ये दो तबके हो गए हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो सलाम फरमाते हैं, अबू दाऊद शरीफ की रवायत है, हदीस के रावी हैं अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरे ऊपर कोई भी मुसलमान सलाम करता है, मेरे ऊपर कोई मुसलमान सलाम नहीं करता, यानी सलातो सलाम मेरे लिए नहीं भेजता, मगर अल्लाह ताला मेरी रूह को लौटा देता है ताकि मैं उसके सलाम का जवाब दूं। अगर अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो सलाम कब्र शरीफ में जिंदा हैं जिस तरह से हयाती लोग दावा करते हैं, तो फिर रूह के लौटाने का क्या मतलब? इसके माने अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो सलाम की रूह लौटाई जाती है, जिंदा की रूह थोड़ी लौटाई जाती है, हरदम उस जिस्म के अंदर मौजूद रहती है। और हमारे खान साहब ने कहा भी है कि अंबियाए किराम थोड़ी देर के लिए उनका इंतकाल होता है, उसके थोड़ी देर के बाद फिर वो जिंदा हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, 2 रातों के बाद आपकी तदफीन हुई, अगर थोड़ी देर के बाद फिर रूह लौटा दी गई थी तो नौज बिल्ला सहाबा किराम ने फिर जिंदा नबी को दफन किया अपने हाथों से? कभी तो अक्ल से भी तो सोचते।